एबीपीएस न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जी। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं, सबसे पहले क्या थी इनकी सरकार में अंतर और क्या अब की सरकार में है। तो आइए आज हम बात करते हैं रविदास मेहरोत्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप पहले हमें ये बताइए कि आखिर क्या थी आपकी सरकार में जो अभी नहीं है, और आप अभी में क्या अंतर देख रहे हैं। हम लोगों ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया। हम लोग जो गरीब, कमजोर, बेबस और लाचार महिलाएं थी, ऐसी उत्तर प्रदेश से 55 लाख महिलाओं को हम लोगों ने पेंशन देने का काम किया। अस्पतालों के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ दवा, इलाज, जांच सब फ्री हो। सबसे पहले जो हमारी बेटियाँ हैं और उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया 1090। उस पर आप फ़ोन कभी करते हो अगर, और तत्काल रूप से उस पर फ़ोन के बाद कार्य हुई हैं। फिर हमने शुरू किया 100 डायल, और 15 मिनट के अंदर पूरे प्रदेश में कहीं से भी उस पर अगर आप फोन करते तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती। तो हम लोगों ने कहा कि पुलिस आपके द्वार पर, और डायल 100 में सारी लड़कियां जॉब में लगाई गई ताकि जो लोग फोन करें उनसे लड़कियां ठीक से ढंग से उनसे बात करने का काम हो। हम लोगों ने प्रदेश में रोजगार मिले लोगों को, ये प्रयास किया। हम लोगों ने ये शुरू किया कि 108 एम्बुलेंस सेवा, और उससे कहीं पर भी आप फोन करती थी तो बिना किसी पैसे के एम्बुलेंस पहुंचती थी और लोगों को लेकर जाती थी। हमने शुरू किया 102 एम्बुलेंस सेवा कि अगर कोई महिला के, हमारी बेटी या बहन के बच्चा हो और फोन करेगी तो निशुल्क वहां गाड़ी आएगी, उसको अस्पताल ले जाएगी, उसको भर्ती कराएगी, और उसके बच्चा होने के बाद उसको ले करके उसके घर पर आकर के छोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा हम लोगों ने विकास के बहुत से काम किए हैं। लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेस बना है, आप 3 घंटे के अंदर लखनऊ से आगरा पहुंच सकते हैं। ऐसी कोई सड़क पूरे देश में किसी और ने नहीं बनवाई है, जहां पर फाइटर प्लेन उतरा, लोगों ने देखा, हमने भी देखा क्या नज़ारा था कि सेना के फाइटर प्लेन वहाँ उतर रहे थे, और सेना के लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सड़क आज तक कहीं पर पूरे देश के अंदर नहीं बनी है। फिर उन्होंने प्रयास किया कि लखनऊ से लेकर के और गाजीपुर तक, बलिया तक सड़क बनने का काम हो। जमीन का अधिग्रहण हो गया, फंड का अलाटमेंट हो गया, और वहाँ पर काम भी हम लोगों ने शुरू करा दिया। उसके बाद हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि लखनऊ में मेट्रो शुरू हो। हम लोगों के प्रयास में लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हुआ, और अखिलेश यादव जी ने मेट्रो का चला करके अपनी सरकार में ही उसका उद्घाटन कर दिया। हम लोगों से लड़के कहते थे, नौजवान लोग, कि लखनऊ शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हो। हम लोगों ने प्रयास किया और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट का स्टेडियम बनने का काम शुरू हो गया, और लगभग वो बन भी गया था, थोड़ा काम बाकी रह गया है और उसको जो है चलाना है। हम लोगों ने प्रयास किया कि लखनऊ जो है बने आईटी हब, और यहाँ पर लखनऊ में आईटी हब बना ताकि हमारे नौजवान जो लड़के हैं उनको यहाँ पर पढ़ाई हो, उनको यहाँ पर नौकरी मिले। यहाँ लखनऊ शहर में करीब 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो गोमती का पानी पीते थे, और गोमती बहुत अधिक गंदी थी, प्रदूषित थी। हम लोगों ने गोमती सफाई अभियान चलाया और हजारों ट्रक कूड़ा उसमें से निकला, गोमती साफ हुई, रिवर फ्रंट बना। आज लोग गोमती के किनारे घूमने के लिए आते हैं और गोमती की महाआरती होती है। ये हम लोगों का प्रयास हुआ कि गोमती की महा, इतनी गोमती साफ हो गई कि लोग गोमती की महाआरती होने काम होता है। अस्पतालों में हम लोगों ने दवा, इलाज, सब तरह की जांच फ्री कर दी, बेड की भर्ती फ्री कर दी, और अगर किसी को डेंगू हुआ था तो खून जरूरत होती थी तो उनको फ्री खून मिले,
ये हम लोगों ने आदेश कर दिए कि बिना पैसे के खून देने का काम हो। अस्पतालों के अंदर पार्किंग जो होती थी उस पार्किंग को फ्री करने का काम कर दिया। अलग अलग दिन अलग अलग रंग की चादरें बिछाई जाएं, ये हमने आदेश किए। जाकर के आप देखिए कि अलग अलग दिन अस्पतालों में अलग रंग की चादरें बिछने का काम होता है। हम लोगों ने यह प्रयास किया कि नौजवान जो हमारे हैं उनको रोजगार मिले, उनको छोटे छोटे उद्योग लगाने का काम हो और व्यापारियों को प्रोत्साहित करने का काम किया ताकि लोग अपने काम करने का काम करें। हम लोगों ने प्रयास किया कि शिक्षा बेहतर हो स्कूलों में और अच्छे अच्छी ढंग से कामकाज हो, और जो आपातकाल में लोग बंद हुए थे सेनानी, उन लोगों को 15 रुपये पेंशन देने का काम अखिलेश जी ने करने काम किया था। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं हम लोगों ने किए। हम लोगों ने अयोध्या में वहाँ जो घाट बनवाए, मथुरा में रुपया दिया 2 करोड़ रुपया वहाँ के विकास के लिए, चित्रकूट से मथुरा अयोध्या तक सड़क बनने का काम हुआ। 4 रोड वहाँ सड़क ही नहीं थी, जहाँ पर पुरुष श्री राम जो हैं अयोध्या चित्रकूट गए थे वहाँ 12.5 साल रहे थे, वो सड़क बनवाने का काम लोगों ने किया। हम लोगों की सरकार में ये प्रयास था कि हर धर्म का सम्मान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिल करके त्यौहार बनाएं। हमने ऐसा माहौल बना दिया था इस प्रदेश के अंदर कि क्रिसमस डे पर सारे हिंदू मुसलमान मिलकर मंदिर आते थे और ईद के दिन सारे हिंदू और मुसलमान मिलकर के गले मिलने काम करते थे। तो हमने जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने मोहब्बत का पाठ पढ़ाया था कि उनको आपस में मोहब्बत करना सीखो, प्रेम करना सीखो और सब धर्मों का सम्मान कर जो करता है वही असली धार्मिक व्यक्ति है। ये हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो लगातार 5 साल प्रयास करने का काम किया। पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने प्रदेश में काम करने का काम किया था। अगर हम बात करें गोमती जो रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपकी सरकार ने बहुत सारी वहाँ पे लाइट से लगवा रखी हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी वहाँ आ गई हैं, लेकिन उस टाइम भी और अभी भी ये देखा जा रहा है कि बहुत लोग, लेकिन जिसके पास आवास नहीं है वो लोग भी अभी लखनऊ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोड पे सोना पड़ रहा और उनको खाने के लिए खाना नहीं है। तो आपकी सरकार ने इसके लिए क्या खास कदम उठाई थी? देखिए, हम लोगों ने आवास बनवाने के लिए कहा था और आशा आवास योजना के अंतर्गत आवास मकान लोगों को देने का काम हुआ था जो गरीब लोग थे, और जो मकान पहले बने थे काशीराम योजना के अंदर मकान बन गए थे और आवंटित नहीं हो पाए थे, हम लोगों ने उन लोगों को बिना पैसे लिए हुए, 1 रुपया लिए बगैर लोगों को मकान का आवंटन करने का काम किया। हमारी और प्रयास थी कि जो गरीब लोग हैं उनको पेंशन देने का काम किया। 500 रुपया प्रति माह पेंशन उनको मिली। 55 लाख ऐसी महिलाएं थीं उनको पेंशन मिलने का काम सरकार में किया गया। विधवाओं और वृद्धा विकलांग लोगों को पेंशन मिले, उनकी बेटियों की शादी के पैसा मिले, ये हम लोगों ने प्रयास करने का काम किया। और जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको आवास योजना में तहत उनको आवाज रहने का काम किया। जी, आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं 500 रुपए पर मंथ जो देने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जब सरकार थी उस टाइम भी महंगाई का काफी दौर था और ये 500 रुपए से क्या उनका जीवन यापन हो जाता होगा? हम लोगों ने ये कहा था कि 500 रुपए से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये पूरा 500 रुपए पूरे प्रदेश सरकार की ओर से था, इसमें केंद्र सरकार का कोई अंशदान नहीं था। हम लोगों ने ये कहा था कि हर साल पेंशन बढ़ेगी, 50 रुपए बढ़ेगी, अगले हो जाएगी 550, फिर 600, फिर 650, ऐसे हर साल बढ़ने का काम होगा। लेकिन ये सरकार आई जो वर्तमान में सरकार है, इसने इस पेंशन को बंद करने का काम कर दिया। अब किसी को पैसा भी नहीं मिलता है और सारी 500 पेंशन मिल रही थी बंद हो गई। अभी जो आप अभी देख रहे हैं गोरखपुर जहां आपकी सरकार बनी, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति, ऐसा क्या हो गया जो हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी के हाथ से? देखिए, उत्तर प्रदेश जो सरकार है ये सारे मोर्चों फेल हो गई। प्रदेश में गुंडा माफिया राज कायम हो गया, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई, हमारी बेटियों और बहनों के साथ दुराचार घटनाओं में 2.5 गुना 3 गुना वृद्धि हो गई। लग रहा है प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस, अपराधी और नेताओं के बीच साठगांठ हो गई है। जनता के में कोई विकास का काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी ने कहा सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, कहीं कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई, कोई सड़क नई बनी नहीं, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, किसानों को उनकी उपज का मूल नहीं मिला, व्यापारी परेशान, जनता परेशान, गरीब लोग परेशान, उनकी रोटी रोटी बंद हो गई।
किसान लोग जो हैं आप हत्याएं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के अंदर इस सरकार के खिलाफ जनता को गुस्सा आक्रोश व्याप्त हो गया और सरकार को जनता को लगा कि ये सरकार बनाकर के हमने भूल करी है। और आप देखिए कि गोरखपुर में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार से लगातार खुद स्वयं सांसद थे और उससे पहले उनके गुरु सांसद थे, पूरा मठ का उस पर कब्जा था सांसदी का, और वहां पर पिछले चुनाव में 3 लाख से अधिक वोट जीते थे। अब 4 साल पहले 3 लाख वोट से चुनाव वो जीते उससे अधिक वोटों से, और आज चुनाव वो कितने वोट से हार गए। इसका मतलब क्या हुआ कि केवल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां वो सांसद थे, जहां वो मुख्यमंत्री हुए हैं, जब इतने अंतर से वहां हार गए, तो ये स्पष्ट कर रहा है कि पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। जब मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में विकास नहीं करा पाए, जनता नाराज हो गई, वहां पर लोगों को काम नहीं हुए, जनता नाराज हो गई, जो झूठे देखिए झूठे वादे करके एक बार आप वोट ले सकते हैं, लोगों को बहका करके एक बार आप वोट ले सकते हैं, और भाजपा ने वही किया। हम लोग समझा रहे थे, वो बहका रहे थे, उनकी जनता बहकावे में आ गई। जब चुनाव हुए 4 साल पहले तो मोदी जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उन खाते में आएंगे 15-20 लाख रुपया। 4 साल बीत गए, किसी एक भी आदमी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। बैंक में अकाउंट खुलवाया, जो अकाउंट खुलवाया, जो रुपए जमा करे उन लोगों ने, गरीब लोगों ने, उनके पैसे बैंक ने जब्त कर लिए। और अब GST लग गया है तो उनसे पैसा मांगा जा रहा है कि आपका खाता निगेटिव में हो गया है, माइनस में हो गया है, वो पैसे आप दीजिए। तो वो गरीब आदमी को पैसे तो मिले नहीं, उल्टा उसको बैंक परेशान करने का काम कर रही है। चुनाव से पहले कहा कि हम विदेशी धन, विदेशों में जो ब्लैक मनी है उसको लेकर के इस देश में आएंगे। जब नोटबंदी हुई तो कहा सब्र करिए, ब्लैक मनी इस देश में लाने के लिए हमने ये अभियान किया है। बताए कहां ब्लैक मनी आई, ब्लैक मनी तो आई नहीं, और जो व्हाइट मनी देश में थी वो लोग लेके भाग गए। विजय माल्या भाग गए, कितने 1000 करोड़ रुपए लेकर के वो भाग गए, एक मोदी छोटा मोदी है वो लेके भाग गया। और 10 लाख रुपए से ऊपर जहां पर कोर्ट मिलता है उस कंपनी से उन्होंने कोर्ट खरीदा और उसको नीलाम किया 4 करोड़ रुपए में। आप जानते हैं किसने खरीदा वो कोर्ट? वो कोर्ट खरीदा उसी छोटे मोदी ने जो भाग गया रुपया लेकर के। तो ये कहते हैं चौकीदार हैं, चौकीदार थे तो जो व्हाइट मनी था बैंकों का, जनता का रुपया था वो, उसको ले कितने लोग भाग गए और कितने भागने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं करी। पिछले 4 सालों के अंदर कितनी बार पाकिस्तान ने सीज फायर किया, का उल्लंघन किया, कितने हमारे सैनिक मारे गए रोज सीमाओं के ऊपर, हमारे बहादुर जामा सिपाही मरते हैं। बार बार सेना कहती है हमको छूट दीजिए, हम 1 हफ्ते के अंदर, और मैं दावा कर रहा हूं कि हमारी सेना इतनी बहादुर है कि उसको छूट मिल जाए 1 हफ्ते की तो लाहौर के ऊपर तिरंगा फैल जाएगा। लेकिन हमारे सैनिक मर रहे हैं, आतंकवादी सैनिक हमले कर रहे हैं और केंद्र की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। नक्सलवादियों के हमले हो रहे हैं, नक्सलवादियों ने इस 4 साल के अंदर करीब 230 हमारे जो सेना के बहादुर जवान हैं उनकी हत्या कर दी, और नक्सलवादियों ने 370 उसमें नागरिक मारे गए। ये सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट है, इससे अधिक मारे गए सैनिक, इससे अधिक मारे गए जनता के लोग, लेकिन सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए कि इतने नक्सलियों ने हत्याएं करी हैं। लेकिन केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अभी 2-3 दिन पहले ही नक्सलियों ने हमला किया, उसमें हमारे सुकमा में 9 सैनिक जो है वो मारे गए। तो ये जो है नक्सलवादियों से, आतंकवादियों से, पाकिस्तान की सेना से, कहीं से कुछ भी सक्षम होते हुए भी मुकाबला नहीं कर पाए और केवल विदेश घूमने का काम किया। किसी विदेशी कंपनी ने इस देश के अंदर कोई उद्योग कारखाना खोलने का काम नहीं किया। अभी यहाँ लखनऊ में हुआ कि जो सेमिनार हुआ जो उद्योगपतियों का, जो है उद्योग लगाएंगे, आप मेरी बात लिख लीजिए, कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ प्रदेश के अंदर इस 1 साल के अंदर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन्होंने कहा चुनाव से पहले
कि लोगों को बिजली मिलेगी। आज देखिए क्या हालत है, अभी गर्मी आने दीजिए पूरे हाहाकार बचेगा, कहीं बिजली मिलने का काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो काम किए थे, जो काम लगभग लगभग पूरे हो गए थे, उन्हीं कामों का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी या जी लोग। इनसे पूछिए एक भी काम बता दें कि एक साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक काम भी किया हो, एक भी काम प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार ने करने का काम नहीं किया। जो वादे किए थे, चुनाव से पहले कहा गया कि किसानों के सारे कर्जे हम माफ कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ किसान थे जिन्होंने कर्जे से जो परेशान थे, उन्होंने को वोट दे दिया कि हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद कहा था, पहले कहा था कि मीटिंग पहले कैबिनेट की होगी, सब कर्जे हम माफ कर देंगे। उसके बाद कहा माफ करेंगे 1 लाख रुपया। उसके बाद जरा मालूम करिए, सिर्फ खाली जो है जुमलेबाजी, कहीं कोई कर्जा माफ होने का काम नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं। हमारे देश के अंदर जब कोई देश के राष्ट्रपति आते हैं तो आप देखिए कि उनकी पत्नियां उनके साथ होती हैं, और आज प्रधानमंत्री जी की पत्नी ये कहती है कि मुझे प्रधानमंत्री के आवास में एक कमरा दिला दीजिए, उसे कमरा नहीं मिल रहा है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी नरेंद्र मोदी को पति माना हो और उसकी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास में, उसने यहां तक कहा कि सर्वेंट क्वार्टर में हमको मकान कमरा दे दीजिए, लेकिन वहां भी उसे कमरा नहीं मिला। क्या इससे बड़ा किसी नारी का अपमान हो सकता है कि जो नारी उनकी पत्नी हो, आज भी वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए हुए अपने सुहाग संदूर को घूमती हैं और ये कहती है कि मेरे पति नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में उनको अंदर आने की अनुमति भी नहीं है, एक कमरा मिलने की भी अनुमति नहीं है। तो कहाँ नारी का सम्मान हुआ? कहते नारी का सम्मान करेंगे। ये नारी का सम्मान है? हमारा वो देश है जहाँ लोग ये कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं विकास होता है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं पर पूजा का जो फल मिलता है। लेकिन उस जहाँ जहाँ नारी का सम्मान नहीं है वहाँ विकास कहाँ पर होगा? और इस देश में इससे दुर्भाग्य नहीं है कि एक प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे पाए हैं, तो देश की अन्य महिलाओं को वो न्याय कैसे दे सकते हैं? जब वो अपनी पत्नी को एक घर एक कमरे में दे सकते हैं, तो वो देश की जो 50 करोड़ महिलाएँ हैं उनको सम्मान नहीं मिल सकता है। जुमलेबाजी से एक बार जनता बहक सकती है, वोट आपको दे सकती है। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 2 करोड़ लोगों को हर साल हम रोजगार देंगे, जनता बहुत खुश हो गई। हमको भी लगा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतनी गर्ज की कह रहे हैं, बात सही होगी कि 56 इंच का चीना है और हम लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अगर रोजगार दिया होता तो आज देश के अंदर 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। जरा बताइए कहाँ रोजगार मिल गया? तो केवल छलावा करने का काम किया। कहा महंगाई रोकेंगे, आज दाम कितने बढ़ गए हर चीज के, कहीं पर भी किसी चीज तुलना कर लीजिए आप, 14 से 18 में 4 साल के अंदर हर वस्तु में हर चीज में दाम बढ़ने का काम हुआ है। जनता परेशान हुई है, गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है, और देश का पैसा लेकर के लोग बाहर भाग रहे हैं और चौकीदार सो गया है और वो चोरी करके भाग रहे हैं, देश का पैसा बाहर जा रहा है। जनता पूरी तरह परेशान है, जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है, जनता बदलाव करना चाहती है, और जनता ने नारा लगा दिया है कि सिंहासन खाली करो। जनता आती है फूलपुर में और गोरखपुर में, जो जीत हुई है समाजवादी पार्टी की, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार है। 1 साल प्रदेश में और 4 साल देश में की सरकार पूरी तरह नाकाम हो गई है, और जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। जनता का मन बन गया है और जनता ने अपना मन दिखाया। मुख्यमंत्री जी का जो पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ में उनको वोट मिले 43 और हमको लोगों को मिले 1742 वोट। 1700 वोट से मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जहां वोट पड़ता है उस जगह उस बूथ से चुनाव हार गए। ऐसे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। नैतिक रूप से जिस रिजल्ट आया कल, वो कहते हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं,
उनके अपने पोलिंग बूथ जहां उनका मठ है, जहां उनके कर्मचारी रहते हैं, कितना बड़ा स्टाफ है, और उन स्टाफ के होने के बावजूद भी उनको वोट मिले केवल 43। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जनता का स्पष्ट आदेश है। जो सरकार एक साथ चली है उस सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है, और जनता ने जो सुनाया फैसला, ये फैसला इसीलिए है, ये सरकार से जनता में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी है, जनता में आक्रोश व्याप्त है, और जनता का बदलाव करने का मन बन गया है। और विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको भी एक करने का हम लोग काम करेंगे। जनता का दबाव है, जनता ये चाहती है कि जो गैर भाजपाई दल हैं ये एक हों, जनता ये चाहती है कि गैर भाजपाई दलों के को वोट मिले, और जनता ये चाहती है कि जो गैर भाजपाई वोट हैं उस वोट का बंटवारा नहीं होने पाए, और इसीलिए जनता ने सापा को वोट दिया और कांग्रेस साथ में नहीं आई तो कांग्रेस का क्या हाल हो गया कि उनकी सिक्योरिटी बुरी से जब्त हो गई। तो ये जनादेश है कि गठबंधन करो, गैर भाजपाई दल एक हो, गैर भाजपाई दलों के वोटों को बढ़ाने को रोको, इस सरकार को हटाओ, और इस सरकार को हटाने के लिए जनता का मन बन गया है, जनता ने ऐलान कर दिया है कि जो गठबंधन करेगा हम उसी को वोट देंगे, जो भाजपा को हरा रहा होगा उसको हम वोट देंगे। इतना ज्यादा गुस्सा जनता में है, इससे पहले कोई सरकार एक साल में इस तरह फेल नहीं हुई होगी कि उसका प्रदेश का मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी एमपी की सीट आ जाए, ऐसी कोई घटना उत्तर प्रदेश इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है। जी हाँ, अगर हम आपकी इस जीत के बारे में बात करें तो इस जीत के बाद अगर हम आरक्षण को ले तो इसके बारे में आपकी सरकार क्या कुछ खास कदम उठाना चाहेगी, आरक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट उसे पहले से कहना है कि समाज के दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिले, उनको बराबर से लाने का हम लोगों ने प्रयास किया, उनको उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, और उनको सम्मान मिले, और उनको नौकरियों में सम्मान मिले, ये हम लोगों का प्रयास है। और इसीलिए जो है दलित और पिछड़े लोग जो हैं, और पिछड़ों में अल्पसंख्यक लोग भी आते हैं, उन लोगों को जो है बराबर समाज में लाने का, जब तक देश में सब बराबर पे नहीं आएंगे तब देश में विकास नहीं होगा। इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि देश में जो है वो लोगों को, जो पिछड़ गए लोग हैं उनको बराबर का मौका मिले। जी हाँ, ये बात आपकी सरकार में पिछली सरकार में भी ये थी, ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं जब आपकी सरकार अगर आरक्षण में सबको बराबर लाना चाहती है, लेकिन फिर भी जितने भी युवाओं की बात करें अगर वो हैं, तो अगर फॉर्म भरने के टाइम में ऐसा देखा जाता है कि जनरल से लेके STSC वहाँ पे बहुत जो फीस का बहुत ज़्यादा आ जाता है, फर्क बहुत पड़ता है, तो इसके लिए आपकी सरकार ने ना कोई खास कदम उठाई ना ही अभी के लिए, तो इसके लिए आप क्या? हम लोगों ने ये कहा था कि हमारा नारा था कि जो है रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो। हम लोगों ने ये दिखाया कि पूरे प्रदेश भर के अंदर दवाएं सब मुफ्त कर दी थी, पढ़ाई को हमने इंटर बीए तक लड़कियों की और इंटर तक लड़कों की सब पढ़ाई हम लोगों ने फ्री कर दी थी। हम लोग कुछ काम कर रहे थे और अखिलेश यादव जी ने जो कदम बढ़ाया था आगे, सरकार दोबारा बनती उनकी, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों का ये प्रयास था कि सारी पढ़ाई मुफ्त कर देंगे। हमारा नारा यही है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई सब लोगों को मुफ्त मिले, उसके बाद उनको रोजगार मिले। चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि हम नकल रोकेंगे, आज कितने बड़ी भयंकर नकल हो रही है, कितने तरीके से लोग पकड़े गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में नकल कराई जा रही है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े, पुलिस ने पकड़ा है घरों में, और वो भाजपा के नेता हैं, खुलेआम जो है ठेका लेकर के नकल करने का काम लोगों ने किया है। इनके पास नौकरियां हैं नहीं और रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, जो रोजगार चल रहा था वो बंद हो गया है, व्यापारी परेशान है, बिल्डर परेशान है, कहीं को जाए घूमी शहर के अंदर कहीं पर कोई अपार्टमेंट नहीं बन रहा है। आप कहीं फोटो याद कर लीजिए कि हमारी सरकार थी 15-16 में पूरे लखनऊ शहर के अंदर जो है मकान लोगों के बन रहे थे, आज लोगों को बालू नहीं मिल रही है, लोगों को मोरंग नहीं मिल रही है, कहीं पर भी डेवलपमेंट का काम बंद हो गया है, कहीं कोई विकास का काम ही नहीं हो रहा है, जन मजदूर परेशान है। आप जाके मालूम करिए, किसान भुखमरी कगार पर है,
मजदूर एक समय खाना खा रहा है, कोई मजदूर को दो समय खाना नहीं मिल रहा है, व्यापारियों का कारोबार बंद होने वाला है, तमाम व्यापारी परेशान हैं और जनता का हर वर्ग परेशान है। आपने परिणाम देखा कि 3 लाख वोट से जो मुख्यमंत्री चुनाव जीता अपने क्षेत्र से, और वही मुख्यमंत्री बनने के बाद कि सीट खाली हुई हो और वो सीट 3 लाख वोट से जो जीता था वो हो गया और अलग से हार गए। इतना अंतर एक सीट में हुआ, इसका मतलब है कि इतना जनता में आक्रोश व्याप्त है सरकार के खिलाफ, जनता ने दिखाने का काम किया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और इस खास कार्यक्रम। देखिए, मेरी ये जनता से ये अपील है कि उन्होंने दबाव बनाया, गठबंधन हुआ, फूलपुर में और गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी समर्थन किया, तो हमारा ये जनता का दबाव है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आए और जनता ने कह दिया है कि जो सारी पार्टियां मिलजुल लड़ेंगी उसका हम लोग साथ देंगे, और जनता ने नारा लगा दिया है, इस नारे को तेज करना है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब इस संघर्ष को और तेज करने का काम होगा, जब तक सरकार बदलेगी नहीं तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। तो अगर मैं पूछना चाहूं, अगर आपकी सरकार आ गई तो सबसे पहले आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 मूल सुविधाएं लोगों को मिले, दवा और पढ़ाई मुफ्त। पूरे देश भर के अंदर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि दवा और पढ़ाई मुफ्त हो। जो महंगाई बढ़ रही है वो रुके, जो करप्शन है, जो इस देश का रुपया लोग लेकर के बाहर भाग रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है वो रुके, जो ब्लैक मनी बाहर से, आज तक सरकार बता नहीं पाई कि नोटबंदी के बाद कितने रुपए पुराने आए, कितने नए नोट छपे, क्या करप्शन रुका, कितना ब्लैक मनी आया, इस नोटबंदी से जनता की कमर टूट गई। तो इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि लोगों को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, दवा मिले, चिकित्सा मिले, महंगाई पर अंकुश लगे, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। इन्होंने वादा किया 2 करोड़ का, पूरा नहीं कर पाए। हम लोग सरकार बनने के बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले। इन्होंने कहा था दुगना मूल्य मिलेगा, कुछ नहीं मूल्य मिला और लोगों के आलू सड़ गए, कई टमाटर का उत्पादन बढ़ गया है, टमाटर नहीं बिक रहे हैं। तो इस तरीके से किसान परेशान हुआ है, उस किसान को उसकी उपज का हम लोग सही मूल्य दिलाने का काम करेंगे। और जो देश के अंदर, देश की सीमाओं पर जो खतरा है, जो आतंकवादी हमले करते हैं, जो नक्सली हमले करते हैं, इसको हम लोग रुकवाने का काम करेंगे। प्रदेश में भाईचारा कायम करने का काम करेंगे। हम जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि स्कूल में, देखिए आप पढ़ते हैं, उस स्कूल में हिंदू पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, सिख पढ़ते, ईसाई पढ़ते हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं होता है, सब साथ पढ़ते हैं, साथ खेलते हैं, साथ खाना खाते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश ऐसा बने कि जिस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्रेम मोहब्बत से रहें, सब त्यौहार बनाएं, जब ईद का त्यौहार हो तो हिंदू बधाई देने का काम करें मुसलमानों को, जब होली आए तो मुसलमान भी साथ होली खेलें, जब क्रिसमस डे मनाया जाए तो हिंदू और मुसलमान और सिख मिल करके दिन मनाएं, और जब प्रकाश उत्सव हो, जब सिखों के 10 गुरुओं का जन्मदिन हो तो जनता पूरी उनके साथ मनाए, गौतम बुद्ध की जयंती हो, जयंती महावीर जी की हो, जयंती अंबेडकर जी की हो, तो पूरा देश मनाए उसको। ये नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज में मोहब्बत हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, और देश और प्रदेश विकास की ओर बढ़े, या उद्योग लगे, या कारखाने खुले, लोगों को रोजगार मिले, और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है उनको सरकार की ओर से जो है पैसा मिले ताकि वो अपना उद्योग खोले, सब्सिडी मिले ताकि वो छोटे लघु उद्योग घरों में लगाएं, छोटे लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिले और किसान को उसकी उपज का मूल मिले, मजदूर को सही मजदूरी मिले, तभी ये देश विकास की ओर बढ़ेगा। अमीरी और गरीबी के बीच में जो अंतर है आज, ये है कि 1% लोगों के पास पिछले 4 साल में क्या हो गया, 1% लोगों के पास 74% लोगों का हिस्सा पहुंच गया है,
74% लोगों की जो हिस्सा है पहुंच गया 1% लोगों के पास। तो ये अमीरी और गरीबी का जो अंतर है इसको समाप्त करना है, मालिक और मजदूर के बीच का जो अंतर है उसे खत्म करना है, और किसान जो अपने खेत में 12 महीने काम करता है उसका बच्चा भूखा सोता है, जो मजदूर मकान बनाता है उस मजदूर के पास रहने के लिए खुद एक कमरा नहीं है, जो अध्यापक पढ़ाते हैं स्कूलों में उनके बच्चे खुद घर में हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हर गरीब बच्चा स्कूल पढ़ने जाए, हर नौजवान को रोजगार मिले, और जब ये देश गुलाम था इस गुलामी को देश से करने के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, अशफाक उल्ला खान ने, जो उनके मन में सपने थे, जो उनके अरमान थे, उनके उन सपनों को, सुभाष चंद्र बोस के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का हमें काम करना है। जैसा कि आपने रोजगार के बारे में बताया हमें कि आपकी सरकार ने बहुत सारे रोजगार भी दिए हैं, लेकिन उस आपकी सरकार की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसी नियुक्तियां निकली थी जिसका परिणाम अभी तक नहीं आया है। कुछ बच्चों को रोजगार मिलके भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? हम लोगों ने ये प्रयास किया कि नौकरियां निकले, नौकरियां निकली, लेकिन हाई कोर्ट से उस पर स्टे आ गया, तो जो नौकरियां रुकी हुई हैं वो हाई कोर्ट से स्टे कारण रुकी हुई हैं। हम लोगों ने बहुत आखिर समय पर बहुत सी नौकरियां भर्तियां निकाली, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरियां नहीं हो रही हैं। मैं खुद मंत्री था कैबिनेट का, मैंने 5 या 28 लोगों की नौकरी निकल गई, अखबार में विज्ञापन आ गया, लेकिन बाद में सरकार बदल गई और इस सरकार ने उन भर्तियों पर बैन लगा दिया। तो हम लोग चाहते हैं, और जो हम लोग का ये प्रयास भी है कि नौकरियां मिले और जो बेरोजगार लोग हैं उनको बैंकों से लोन मिले और उस लोन पर 50% सब्सिडी हो, ताकि छोटा उद्योग जो है वो घरों में लोग लगाएं और कोई भी बेरोजगार नहीं हो रहे, ये हम लोगों का प्रयास होगा सरकार बनने के बाद। जी हाँ, धन्यवाद आपका मंत्री जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आपने देखा मंत्री जी ने कैसे बेरोजगारी हटाने की बात करी है, महिलाओं के बारे में बात करी है। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी सरकार अगर आ गई तो फिर बहुत अच्छा काम करेगी, और मुझे भी पूरा यकीन है कि इनकी सरकार आने पे बहुत सारे ऐसे कारोबार भी होंगे जो अभी नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।